यहाँ 2019 से बुलडोजर चल रहे हैं, कोई 50-80 जगह पता है कोई, जो उन्होंने फिगर लिया आप जेडी वगैरह सबसे, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो बुलडोजर धर्म के नाम पे चलता है, पूरा देश में चर्चा होती है। जो राज्य कोई किसी पार्टी का हो, कोई विज्ञापन दे या नहीं दे, कोई पैकेज दे या नहीं दे, मीडिया का पहला धर्म होना चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ निष्पक्षता के साथ में सबके साथ न्याय करे। तो गोदी मीडिया के नाम से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जैसे आदमी को अगर गोदी मीडिया वास्तव में गोदी मीडिया बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि चौथे स्तंभ के लिए भी अच्छी बात नहीं। शुक्रिया। आपका मेरे प्रति प्रेम है कि मुझे रुकना पड़ा और दो टिप्पे लगाने पड़े, तो मेरे माध्यम से पूछ क्यों रहे। आपको कुछ सुझाव देना हो वो गरिमा हटके होकर दे दीजिए मुझे, मैं उसको मान लूंगा। पत्रकारों के लिए कुछ करना हो, कई काम तो मैंने बगैर मांगे हुए किए हैं, और पेंशन तक किया, बच्चों का ख्याल रखा, मैंने जो पत्रकारिता का मैं एक अलग और कर दो सर कुछ, जो चौथा स्तंभ जो है जितना मैं तो मैं देता हूँ उतना हिंदुस्तान में कोई नहीं देता होगा। सबसे अन्याय कोई करता पत्र आपका मीडिया तो मेरे साथ करता है। वो ना तो हमारी स्कीमों को, ना तो हमारी फैसलों को जिस रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए, आप लोग उठाते हो लोकल लेवल पर जिस रूप में राष्ट्रीय स्तर पर यूपी के अंदर बुडो हिला दिया योगी जी ने, पूरा देश में मॉडल बना रहे हैं। कल रात को मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, कोई प्रिंट में या वायर में किसी में आया था, आप कंपेयर करो, पता नहीं किसने लिखा, यहाँ 2019 से बुडोजर चल रहे हैं, कोई 50-80 जगह पता है कोई, जो उन्होंने फिगर लिया आप जेडी वगैरह सबसे, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो बुलडोजर धर्म के नाम पे चलता है, पूरा देश में चर्चा होती है, तो आप जाके पढ़ना आर्टिकल, वो मैं रात को पढ़ा था। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। जो राज्य कोई किसी पार्टी का हो, कोई विज्ञापन दे या नहीं दे, कोई पैकेज दे या नहीं दे, मीडिया का पहला धर्म होना चाहिए कि वो ईमानदारी के साथ में निष्पक्षता के साथ में सबके साथ न्याय करे, उसके बाद में उनको लगे कोई फेवर करना पैकेज के माध्यम से, तो एक विज्ञापन के रूप में कर सकता है। सर हेल्थ मॉडल की बहुत चर्चा हो रही है, पर हमारे यहाँ तो अन्याय हो रहा है। राजस्थान की सारी स्कीमें मॉडल के रूप में है। अच्छा, मेरा मेरे खुद में इंटरेस्ट नहीं उसमें। हम सबको याद दिलाता है उस जमाने के जब हम लोग गुलाम थे और सामंतशाही थी, जो माहौल था गुलामी का उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे उन सेनानियों ने, ज्ञात अज्ञात सहित जो बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी के सानिध्य में जो संघर्ष किया गया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, श्री के लोग, फिर अम्बेडकर साहब, सबने संविधान बनाया और आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी चिंता का विषय लगा हुआ है, जो देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, अमीरी गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, महंगाई और बेरोजगारी ऊपर से है। आज शुभ दिन पे भी बोलना पड़ता है, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे बर्निंग है, इस पे ध्यान जाना जरूरी है सरकार का, चाहे सरकार राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, सब मिलके ही हम लोग कैसे इन मुद्दों को हल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि देशवासियों को, प्रदेशवासियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि राहुल गांधी को इतनी टफ यात्रा क्यों करनी पड़ी, टफ यात्रा क्यों करनी पड़ी, ये सोच के ये मुद्दे जो है इस पे भारत सरकार के ध्यान, उन पर दबाव पड़ेगा तो कुछ जनता का भला होगा, ये सोच के मैं समझता हूँ उनका एक संकल्प था। वो 30 तारीख को गांधी जी के पुण्यतिथि पर संपन्न होने जा रहा है। तो ये स्थिति है,
मैं इस मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, हमारी सरकार लोक कल्याणकारी सरकार है, सोशल सिक्योरिटी को महत्व देती है, इसीलिए हमने जो स्कीमें लाए हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। जो दिल को छूने वाली है, आम आदमी के, गरीब के, किसान के, पिछड़ों के, दलितों के, कोई समाज हो, छत्तीसगढ़ कौम हो, EWSB क्यों नहीं हो, सबके जो जो जिनको जरूरत है सरकार की, या कह दीजिए जिनको जो मतलब नीडी है, उनके लिए उनके साथ में हमारी सरकार खड़ी मिली हमेशा, चाहे कोरोना काल आया हो चाहे उसके बगैर भी। हम लोग प्रयास करते हैं कि पूरे प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाएं कि हम सरकार आपके साथ में मजबूती के साथ में आप सब पे खड़ी रहेगी भविष्य में भी। वो प्राइवेट सेक्टर को खुश करने के लिए कर रही होगी, पर हम खुद भी चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर को भी विश्वास में ले, क्योंकि अल्टीमेट तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके ही मैं समझता हूँ कि जो सेवा का संकल्प है वो पूरा कर सकते हैं। तो सरकार को इनके खिलाफ नहीं है, उनकी वाजिब कोई सुझाव होंगे वो भी हम चाहेंगे स्वीकार करें, हम चाहेंगे सबको साथ मिला के करेंगे, तभी तो ये कामयाब होगा हमारा सपना जो यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस का है। राइट टू हेल्थ बिल लाने तो एक कानून बनना एक बात है, कानून लगना लागू होना दूसरी बात है। जो देखा आपने 3 काले कानून जो किसानों के आए थे, तब देखा आपने कि वो लागू नहीं हो पाए। हम कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते, हमारा कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है कि बिल लाएं थोप दें बिल को, सबको साथ लेके सबकी सलाह से हम चलेंगे, तभी मैं समझता हूँ कि वो कानून बन पाएगा और कानून बनने के बाद लागू हो पाएगा। ये हमारी खुद की मंशा है। अगर देश के उन स्कीमों को दबाव पड़ेगा वहाँ की जनता द्वारा, वहाँ की सरकारों पर, तो कई लोगों भला होगा देशवासियों को, यही मेरा एम रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देश का मीडिया भी धीरे धीरे गोदी मीडिया कराता है, वो टैग जो लग गया उनके ऊपर टैग हटना चाहिए, ये समय आ गया है। एक हर चीज की एक सीमा होती है, उसके भी आर्टिकल लग गए। जो एन राम है आपका, जो हिंदू का जो पूर्व संपादक है, उन्होंने कल एक आर्टिकल लिखा है कि किस प्रकार से जो ये फिल्म बनी है BBC की, उसको जिस रूप में रोका गया है, उसके बारे में बहुत कड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। ऐसे पत्रकार भी है जो कि निष्पक्ष होकर चलते हैं, तो गोदी मीडिया के नाम से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे जैसे आदमी को अगर गोदी मीडिया वास्तव में गोदी मीडिया बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि चौथे स्तंभ के लिए भी अच्छी बात नहीं, शुभ संकेत नहीं है। उन सबसे निकलना चाहिए, निकल करके फिर निष्पक्षता की तरफ आना चाहिए, अपने अंतराल को पूछना चाहिए, अपने जाके बीबी को पूछना चाहिए, पत्नी को, कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या एंकर के रूप में, ये भी कभी कभी करना चाहिए। पत्नी अच्छी राय दे देगी कभी कभी, घर वाले अच्छी राय दे देंगे कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे मेरे दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, मुझे मेरी सहेलियां क्या कह रही है, उससे वो कुछ सीखे, मेरा तो याद कहना है। शुक्रिया थक गए सर, नहीं थका हूँ सर।